दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है और सर्किट ब्रेकर कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है। तो दोस्तों सर्किट ब्रेकर बहुत ही सिंपल चीज़ है। सर्किट ब्रेकर अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि सर्किट ब्रेकर क्या है, सर्किट ब्रेकर के अंदर हमारे, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो हमारे आपने सुना होगा MCB, जो सबसे ज़्यादा उपकरण यूज आता है सर्किट ब्रेकर में वो होता है MCB। MCB हो गई, MCCB हो गई, ACB हो गई, ये सब हो गए दोस्तों हमारे सर्किट ब्रेकर। लास्ट में CB आ रहा है ना, ये CB का मतलब होता है, फुल फॉर्म होती है CB की, सर्किट और ब्रेकर। अब आगे M हो गया, ये हो गया मिनीचर सर्किट ब्रेकर। MCCB मतलब मॉड्यूल के सर्किट ब्रेकर। ACB मतलब एयर सर्किट ब्रेकर। ये अलग अलग टाइप के सर्किट ब्रेकर होता है, ये अपन बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है। तो दोस्तों अगर सिंपल सी एक लाइन में अगर आप उसको जवाब देना चाहो तो आप उन्हें ये बोल सकते हो, अगर हिंदी लैंग्वेज में बात करें फिर बाद में मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी बता दूंगा, ताकि आपको कभी इंटरव्यूअर इंग्लिश में अगर आपसे क्वेश्चन करता है तो आप उसको क्या आंसर दोगे। तो दोस्तों सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आप उसे बोले तो ये बोल सकते हो, एक ऐसा डिवाइस, यानी एक ऐसा डिवाइस जो कि ऑटो कंडीशन में, ऑटो कंडीशन और मैनुअल कंडीशन दोनों कंडीशन के अंदर हमारा जो सर्किट है, ऑटो और मैनुअली कंडीशन दोनों कंडीशन में हमारा जो सर्किट है उस सर्किट को बीच में से ब्रेक करने का काम करे, वो होता है हमारा सर्किट ब्रेकर। अब वो ब्रेक क्यों करेगा, वो हमारा फॉल्टी कंडीशन में और नॉर्मल कंडीशन में। फॉल्टी कंडीशन क्या हो गई और नॉर्मल कंडीशन क्या हो गई वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों फॉल्टी कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमारा जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जैसे ये हमारा ब्रेकर लग रहा है, जो है हमारा सर्किट ब्रेकर, ठीक है, इस सर्किट ब्रेकर के अंदर इनपुट आउटपुट आ गया और जो इसका आउटपुट जो निकला वो आउटपुट मैंने एक मोटर को कनेक्ट कर रखा है। अगर मेरी मोटर ज़्यादा करंट ले रही है तो वो मेरी मोटर के लिए नुकसानदायक है, तो वो जो कंडीशन होगी वो होगी हमारी फॉल्टी कंडीशन। तो उस फॉल्टी कंडीशन में और नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन का मतलब मैं इसको ऑन ऑफ करवाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं खुद इसको ऑन ऑफ करना चाहता हूँ। अब दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू इंग्लिश में पूछे तो दोस्तों अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप ये डेफिनेशन बता सकते हैं, इंग्लिश में लिखी हुई है, ए डिवाइस विच कैन मेक और ब्रेक, यानी मेक का मतलब यानी हमारे सर्किट को क्लोज करता है और ब्रेक का मतलब हमारे सर्किट को ओपन करता है, ऑटो के अंदर भी और मैनुअल के अंदर भी, ठीक है, ऑटो और मैनुअल दोनों कंडीशन में, अंडर नॉर्मल और फॉल्टी कंडीशन दोनों के अंदर, ठीक है, तो ये हमारा सर्किट ब्रेकर कहलाता है। अब दोस्तों सर्किट ब्रेकर के टाइप्स की बात कर लेते हैं कि सर्किट ब्रेकर कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों टाइप्स हमारे सर्किट ब्रेकर के 3 टाइप्स होते हैं। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप ये बता दीजिएगा, अगर टाइप्स पूछे तो उसे बोल दीजिएगा सर्किट ब्रेकर जो है हमारे अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लेवल, ठीक है, यानी अगर वोल्टेज के हिसाब से अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो हमारे सर्किट ब्रेकर जो है 3 टाइप के आएंगे, ठीक है, 3 टाइप्स। अब 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, वो 3 टाइप्स होंगे दोस्तों। फर्स्ट हो जाएगा हमारा लो वोल्टेज, सेकेंड हो जाएगा हमारा दोस्तों मीडियम वोल्टेज। अब इसके अंदर भी दोस्तों हमारे अलग अलग टाइप आएंगे, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा छोटे से वीडियो में। और तीसरा हो जाएगा दोस्तों हमारा हाई वोल्टेज। फर्स्ट हो गया दोस्तों हमारे लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, सेकेंड हो जाएंगे हमारे मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, और थर्ड हो जाएगा हमारे हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। अब दोस्तों इन 3 टाइप जो सर्किट ब्रेकर है, इसके अंदर हमारे जो सर्किट ब्रेकर है वो कैसे डिफाइंड होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों हमारे जो लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है, इस लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के अंदर हमारे कौन कौन सर्किट ब्रेकर आएंगे, वो आएंगे दोस्तों हमारे MCB आएगी, जिसका पूरा नाम होता है मिनीचर सर्किट ब्रेकर। इसके अलावा दोस्तों हमारी MCCB आएगी। आपको मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, जो भी सर्किट ब्रेकर हमारे अंडर वन के वोल्टेज में वर्क कर रहे हैं, यानी अंडर 1K का मतलब 1000 वोल्ट के नीचे जिस भी सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन हो रहा है वो सर्किट ब्रेकर हमारे लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर कहलाएंगे। और हमारे मीडियम जो सर्किट ब्रेकर है उस सर्किट ब्रेकर में हमारे वो सर्किट ब्रेकर आएंगे जो 1K to 72 kV मतलब 1000 वोल्ट से 72000 वोल्ट तक जो हमारे सर्किट ब्रेकर लगेंगे वो सर्किट ब्रेकर कहलाते हैं हमारे मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। अब दोस्तों तीसरा है हमारा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। तो हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में आता है दोस्तों हमारे 72.5 kV, यानी दोस्तों हमारे जो 72500 वोल्टेज और उसके ऊपर की जितने भी सर्किट ब्रेकर है वो हमारे 3rd पॉइंट में आएंगे, जो कि है हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। अब दोस्तों इसके अंदर सर्किट ब्रेकर कौन कौन से आएंगे वो मैं आपको बता दूं। तो लो वोल्टेज के अंदर हमारे आपने सुना होगा MCB जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वो हमारा आएगा। इसके अलावा दोस्तों MCCB की बात करें तो MCB भी हमको और MCCB हमको सेम प्रोटेक्शन देती है, बस MCB जो होता है उस MCB के अंदर हम जो ट्रिप लेवल होता है, ट्रिप लेवल मतलब हमारा जैसे हमारी MCB हो तो उस पर करंट लिखा होता है कि वो 100 एम्पियर की है, ठीक है, तो वो 100 एम्पियर मैक्सिमम आती है हमारी MCB है, 100 एम्पियर तक ही आती है, और हमारी MCCB जो है वो हमारी 1000 एम्पियर तक आती है, ठीक है। पर जो MCB होती है, MCB के अंदर जो 100 एम्पियर है इसको मैं कम ज़्यादा नहीं कर सकता, पर MCCB जो है इसके अंदर मैं 100 एम्पियर को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, मतलब मैं उसको 800 पे भी सेट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमारा ACB भी हमारा लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में ही आता है। इसके अलावा और भी सर्किट ब्रेकर है दोस्तों, हमारे RCCB भी है, ELCB है, यानी बहुत टाइप के सर्किट ब्रेकर इसके अंदर आते हैं।
मतलब दोस्तों जो भी हमारे 1 KV मतलब 1000 वोल्ट के नीचे के सर्किट ब्रेकर है वो हमारे लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में आएंगे। अब दोस्तों मीडियम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताऊँ तो इसमें होता है हमारा एक VCB और एक ACB। दोस्तों ACB हमारा हाई वोल्टेज के अंदर भी आता है, ACB हमारा लो वोल्टेज के अंदर भी आता है, मीडियम वोल्टेज के अंदर भी आता है और हाई वोल्टेज के अंदर भी आता है। हाई वोल्टेज के अंदर जो ACB सर्किट ब्रेकर होता है उसका जो पूरा नाम होता है वो होता है दोस्तों एयर ब्लास्ट सर्किट CB, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हाई वोल्टेज में और कौन कौन सर्किट ब्रेकर आते हैं, उसके अलावा होते हैं दोस्तों ऑयल सर्किट ब्रेकर जिसको बोलते हैं OCB, ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसके अलावा दोस्तों हमारा आता है SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक और सर्किट ब्रेकर यूज में आता है जो कि आता है VCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति अभी इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो से अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।